नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। घरेलू इलाज देखिए, 100% सटीक इलाज देखिए मेरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है थायराइड के लिए, जिनका थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इसमें मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार से घर में ही आपका उपाय बताऊंगा, आप इसको घर में कीजिए और आप ठीक हो जाएंगे जिनका थायराइड बढ़ चुका है। आपको इसमें लेना है छोटा जो धनिया होता है, ये हरा धनिया, एक तो हरा होता है जो सब्जी वालों के यहाँ मिलता है, और एक धनिया होता है जो परचून वगैरह पंसारी वगैरह जो होते हैं उनके यहाँ मिलता है, वो धनिया आपको लेना है, जो गोल गोल धनिया होता है। 5 चम्मच आपको धनिया लेना है और इसको आप 1.5 गिलास पानी में उबालने के लिए रख दें, तेज उबालें, और जब ये काफी 5 या 6 मिनट तक काफी तेज जब उबल जाए, जब ये उबलना शुरू हो जाए ज्यादा, तो आपको 5 या 6 मिनट तक इसको काफी उबालना है। फिर आपको इसमें आंच से उतारकर ठंडा करके इसको आप थोड़ा गुनगुना रखें जितना पी सकें, और इसका आप कम से कम 1/2 गिलास से ज्यादा 1/4 गिलास आप इसको पीजिए, और जो आपने धनिया जो उबाला है उसको आप रख दें, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखना, इसको आप बाहर ढककर रख दें, और शाम को आप खाने से पहले इसको आप फिर इसको गर्म कीजिए, जो पानी इसमें बचा हुआ है अगर 1/4 गिलास से कम रहता है तो इसमें आप थोड़ा पानी और डाल लीजिए। आपको दोबारा इसमें 5 चम्मच धनिया नहीं डालना है, ये मात्र केवल आपको एक ही दिन डालना है, फिर दूसरे दिन आपको 5 चम्मच दूसरा धनिया लेना है, 5 चम्मच, या आप कंटिन्यू इसको करते रहें, 5-5 चम्मच आपको रोज लेना पड़ेगा। जब वो पानी आप उसमें थोड़ा डालें, जो बचा हुआ धनिये का पानी है उसको आप उबाले, वैसे ही उबाले करीब 5 मिनट, क्योंकि तेज उबाले 5 या 6 मिनट, दोबारा फिर जब वो ठंडा हो जाए आंच से उतार लें, जब वो ठंडा हो जाए फिर आप 1 गिलास उसको फिर दोबारा पी लें। आपको ये सुबह और शाम दोनों करना है। आपकी जो थायराइड की जो समस्या है, थायराइड ग्रंथि जो बढ़ जाती है, ये आपकी ठीक हो जाएगी। थायराइड आपका जो प्रॉब्लम है वो समस्या ठीक हो जाएगी। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। देखिए मेरे आयुर्वेदिक उपाय, घरेलू उपाय, सटीक उपाय आपके लिए दोस्तों।